फाजिलका दौरे से पहुंची हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार से निशाना साध्या। आख्या कि पंजाबियों के नाल केंद्र सरकार वितकरा क्यों कर रही है, सवाल उन्होंने खड़ा किया। नाल ही आख्या कि 1 अक्टूबर को वड्डे मार्च राही केंद्र को खेती बिल वापस लैण को मजबूर करांगे। हरसिमरत कौर बादल ने वड्डा बयान दिता है, कहा कि 1 अक्टूबर को वड्डे मार्च राही केंद्र को खेती बिल वापस लैण को मजबूर करांगे। फाजिलका के दौरे से पहुंची सी हरसिमरत कौर बादल, इस मौके उन्होंने केंद्र सरकार को कलड़े हथी लिया तो सवाल किया कि पंजाबियों के नाल केंद्र सरकार क्यों वितकरा कर रही है। करीब 10 दिन पहला खेतीबाड़ी बिलों के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय वजीरी तो भी अस्तीफा दे दिता सी। बीते दिन अकाली दल ने भाजपा के नालों अपनी भाईवाली भी तोड़ दी है। तो अज हरसिमरत कौर बादल फाजिलका के दौरे पर पहुंचे से, जिथे उन्होंने पंजाबियों के लिए किसानों के लिए तिखा संघर्ष मिटने की चेतावनी भी केंद्र सरकार ने दी। हरसिमरत कौर बादल ने आख्या कि पंजाबियों के नाल केंद्र सरकार वितकरा क्यों कर रही है, सवाल खड़ा किया। तो नाल ही आख्या कि 1 अक्टूबर को वड्डे मार्च राही तिखा संघर्ष केंद्र सरकार के विरुद्ध विढ़िया जाएगा कि अकाली दल किसान हितैषी पार्टी है। 10 दिन पहला हरसिमरत कौर बादल ने वालों अस्तीफा दे दिता गया सी। बीते दिन अकाली भाजपा गठजोड़ भी इन्होंने बिलों में लैके और जम्मू कश्मीर के पंजाबी भाषा को डीग्रेड करने लैके भाईवाली भी तोड़ दी गई सी। श्रोमणी अकाली दल ने अपना फर्ज अदा किया हैगा, कुर्सी तो अहदे तो छड़े लेकिन भाईवाल भी छड़ता, क्योंकि पंजाब के लोग, पंजाब के किसान, पंजाब के मजदूर, व्यापारी सब तो पहले साढ़े वास्ते अपना पंजाब। आपां सियासत तो उपर उठ के सारयां नूं अपील करना है कि यह पंजाब के सर्वाइवल की लड़ाई हैगी। इस लड़ाई जे सारे कट्ठे हो गए ठीक है, नहीं तो इन्होंने ताकतों ने सानू आपस च लड़ा लड़ू के नुकसान पंजाब का कर देना। ये सारे तीनों तख्तों चो श्री अकाल तख्त साहब तो, तलवंडी साहब तो, आनंदपुर साहब तो, असी तीनों स्थानों तो पूरे पंजाब नूं एक करके पहले जाके राज्यपाल नूं ज्ञापन देवांगे कि केंद्र की सरकार नूं ये बिल बनाने तो रोकया जाए। कैप्टन साहब नूं कहांगे जिवें असी सुझाव दिता, तुसीं इमीजिएटली सैशन बुलाओ ते ये पंजाब नूं एक मंडी डिकलेयर करो ताकि ये बिल का कोई इत्थे असर ना पाए। उहदे बाद ये संघर्ष नूं अगे लिजाण वास्ते जो करन दी लोड़ है वो अगली राजनीति दिल्ली तां ही होगी। जिहड़ी केंद्र दी सरकार अपनियां दी सुन रही कि पंजाब हिंदुस्तान दा हिस्सा नहीं हैगा, कि पंजाब दे लोकां नाल तुसीं गल तक नहीं कर सकते, इन्ना वितकरा क्यों पंजाबियों दे नाल? ये वो पंजाब है जिहड़े तुहाडे देश दा ढिड भरदा हैगा, जिन्हां दे पुत दे फौजां च देश दे सरहद च कुर्बानियां दिंदे ने। जब विदेशां चों अमरीका चों भीख मांग के असीं अन्न मंगदे सी लोकां दा ढिड भरन वास्ते, जिहड़ा जानवरां नूं दिंदे सी उह भेजदा सी इत्थे अपने लोकां वास्ते। इस पंजाब ने एक हरी क्रांति ला के देश दा फूड बॉल बनिया, ढिड भर रहा है। अब तुम उन्होंने आवाज़ तक नहीं सुन सकते। तो मैं तो आई कहती हाँ, जो तुम कहते हो MSP जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी, तो फिर थानू लिखन चे थानू की झिझक हैगी? और की कारण है कि तुम व्यापारियों वास्ते पूंजीपतियों वास्ते तो इन्ना वड्डा कानून बनाता, लेकिन किसानों वास्ते आमदनी दुगनी करनी है, छोटा जी लाइन क्यों नहीं तुसी लिख सकते उस कानून से? कांग्रेस का तो बेनकाब मंत्री ने फ्लोर ऑफ द हाउस से करता, जिथे आप कहा कि कैप्टन साहब तीन मीटिंगा च आए, मनप्रीत बादल ने कहता कि 3 मीटिंगा जिद मैं एक च गया सी, अफसर एक च गए सी। मैं पूछती हाँ जिन्होंने 1.25 साल मे के महीने चो, अप्रैल अगस्त के महीने चो ये गल्लां सारियां पता है, 1.25 साल इन्होंने किया कि जब ऑर्डिनेंस जारी होया 6 महीने पहले, जब जग जाहिर होया, तुसी दिल्ली किन्नी बारी गए, केड़ी चिट्ठी लिखी है जरा दिखाओ तो सही।